हुए हैं वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कर्तव्य पथ की भूमि पर वीरों का वंदन। अमृतकाल में देश की माटी से वीर शहीदों का सम्मान। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 30 और 31 अक्टूबर को ये कार्यक्रम चलना है। आज आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रदेश के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं अपने अपने अमृत कलश लेके, और यह सामने एक बड़ा अमृत कलश यहाँ रखा गया है। उसमें अपने अमृत कलश में जो अपने अपने गांव, शहर, ब्लॉक से जो मिट्टी लेके आए हैं, शहीदों की भूमि से जो मिट्टी लेके आए हैं, उसको इस अमृत कलश में डाला जा रहा है। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। और इधर की अगर बात करें तो इस पूरे यहाँ आज पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी राज्यों के चलने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर बात करें तो आप इधर देख सकते हैं कि अभी यहाँ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी तमाम अमृत कलश यात्री यहाँ पहुँचे हुए हैं। देश भर के तमाम राज्यों से भारत की पवित्र मिट्टी से भरे कलश देश की राजधानी दिल्ली पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों की याद में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की थी, और इसी को देखते हुए देश के कोने कोने से लोग अपने गांव, कस्बों, शहरों और जिलों की मिट्टी और चावल के अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुँच रहे हैं। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोग अमृत कलश लेकर आ रहे हैं। परिनिर्वाण स्थली जिन्होंने विश्व को अहिंसा का संकेत दिया, उनकी धरती से इस विकासखंड पटौना से मिट्टी लेकर आई हूँ। तो क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं इस मिट्टी के माध्यम से, किस तरह से कार्यक्रम पूरा चला? सर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने पंचशील के सिद्धांत पे अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया था, तो मैं इस कुशीनगर से आई हूँ। ये जो गांव की मिट्टी लाई हूँ, ये केवल मिट्टी नहीं है बस, बल्कि इस अमृत महोत्सव में पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व, सद्भावना और अहिंसा का संदेश देने मैं पुनः इस मिट्टी को लेकर यहाँ समर्पित करने आई। सब एक है, हम भगवान बुद्ध की नगरी से आए और हम यहाँ शांति का प्रतीक की तरह यहाँ अपने आप को प्रेजेंट करने आए। मेरी माटी मेरा देश के लिए मुझे बहुत गर्व है कि हम अपने राज्यपद के लिए, अपने मोदी जी के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है और कहां से आई हैं आप? मेरा नाम अवंती है, मैं जिला बलुई शहर से आई हूं, ब्लॉक जहांगीराबाद से। मेरा देश मेरी माटी उत्तर प्रदेश। आप कहां से आई हैं? मैं बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर। मेरा मिट्टी मेरे देश की कलश यात्रा करने के लिए आए हैं। देश के कोने कोने की मिट्टी का संग्रह करने वाली इस अनोखी पहल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों के 7,000 प्रखंडों से 20,000 से अधिक प्रतिनिधि अपने 7-8,000 से अधिक अमृत कलश लेकर पहुंच रहे हैं। देश के 6 लाख गाँव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया, तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के कोने कोने से लाए जा रहे कलशों की मिट्टी को एक विशाल और भव्य कलश में स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद देश के वीरों को श्रद्धांजलि देना है। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य अपनी संस्कृति और कला को भी प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्राइम 25।